फ्रेंड्स, ये हमारा एडेनियम प्लांट काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है, बट ये हो गया है पूरी तरीके से रोट, मतलब कि ये पूरा सड़ चुका है। इसको कैसे सेव करें अब ये जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी लग रहा है इसमें, बट इसका जो कॉडेक्स है पूरी तरीके से गल चुका है। तो ऐसा कैसा हुआ फ्रेंड, हमारी जो सॉइल मीडिया है वो मैंने पूरी तरीके से सैंडी सॉइल बनाई थी, मतलब कि सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर था, बट ये पूरी तरीके से रोट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में बरसात हो जाती है, इस वजह से ये हमारा जो एडेनियम है रोट हो जाता है, क्योंकि बरसात जब सर्दियों में होती है तो उस टाइम हमारे यहाँ सनलाइट की कमी होती है और जो हमारे जो सॉइल होती है वो जल्दी ड्राई नहीं होती, इसकी वजह से हमारा जो एडेनियम है वो मर जाता है इस तरीके से रोट होके। तो इसको चेक करने का फ्रेंड एक तरीका होता है, जब हमारा एडेनियम बिल्कुल भी, जब कोडेक्स होता है वो डार्क कलर का लगे या कुछ भी लगे, तो हम उसको एक बार इसकी जो सेल्स है ऊपर से उसको हटा के स्किन देखनी चाहिए कि उसमें कोई रोट है या नहीं। ये देखिए हमने हटा के देखी तो इसमें ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गल चुका है। हम इसको निकाल के देखेंगे कि इसमें कैसा क्या हिस्सा बचा है या पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुका है। तो फ्रेंड इसी तरीके से बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके यहाँ विंटर है, विंटर में बरसात होती है, तो फ्रेंड अपने एडेनियम को छाँव में कर दें, क्योंकि ये बरसात के बरसात में आते ही ये मरने लगते हैं इसी तरीके से, क्योंकि उस समय सनलाइट की कमी होती है और इनको मॉइस्चर ज़्यादा मिल जाता है, इस वजह से ये ज़्यादा जो वाटर होता है वो स्टोर कर लेते हैं और ये सड़ने लगते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए हमारा डीएम पूरी तरीके से सड़ चुका है, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका कॉडेक्स से लेकर पूरा टिप पोर्शन तक सड़ चुका है, केवल इसका जो ग्राफ्टिंग एरिया है वही केवल सेफ बच पाया, जब तक मैंने देखा तब तक इसी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था ये डीएम। इसको हम क्या करेंगे, कट करके देखेंगे कि जितना हिस्सा इसका निकल सके बचा लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे अपने अदर प्लांट पे ही ग्राफ्ट करेंगे। तब तक के लिए हमको स्टोर करके रखना होगा इसको, इसके जो ग्राफ्टिंग पोर्शन को। तो देखते हैं कि इसका कितना हिस्सा बचा हुआ है हमारे लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसको कट करा है लेकिन ये पूरी तरीके से गल चुका है और इसका कॉडेक्स भी पूरी तरीके से बिल्कुल भी बेकार हो गया है। अब ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे ऐसे इस कट कर लेंगे पूरी तरीके से, जितना इसका ब्राउन एरिया है जितना भी होगा हम उसको हटा देंगे, क्योंकि जितना भी अगर इसका ब्राउन एरिया बचेगा वो हमारे जो प्लांट में फंगस ही पैदा करेगा। इस तरीके से हम हटा देंगे लेकिन देखेंगे कि इसमें, देखिए इसमें अभी इसमें ब्राउननेस दिख रही है, तो हम इसको अभी भी कट करेंगे। जब तक पूरी तरीके से ग्रीन या वाइट कलर का पोर्शन नहीं आ जाता तब तक हम इसको कट करते रहेंगे। देखिए इसमें अभी भी थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, इस वजह से हम इसको अभी भी और कट कर देंगे, क्योंकि ये फंगस पैदा कर सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब ये पूरी तरीके से ग्रीन और वाइट का पोर्शन दिख रहा है। अब ये हमारा जो ग्राफ्टिंग पोर्शन के नीचे जो ब्रांच थी और जितना भी ये पोर्शन है ये हमारे तरीके से सेव है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेडी एरिया में रख देंगे जहाँ धूप ना लगती हो और जो एरिया है बिल्कुल ड्राई रहता हो, केवल वहाँ पे धूप ना लगती हो, तो ऐसी जगह हम इसको रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको फरवरी में रीग्राफ्टिंग कर देंगे, मतलब दोबारा किसी प्लांट पर ग्राफ्टिंग कर देंगे, हमारा जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो बचा रह जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड हम अपना एडेनियम बचा सकते हैं। और ये देखिए हमारा एडेनियम जो है इस तरीके से सड़ जाता है जाड़े की बरसात में, इसलिए हम कहते हैं कि इसको जो बरसात होती है सर्दियों में उससे इसको छाई में रखना चाहिए, इसमें जो बरसात का पानी है वो नहीं लगना चाहिए। देखिए फ्रेंड हमारी जो सॉइल है वो देखिए पूरी तरीके से सैंडी सॉइल है, बट तब भी हमारा एडेनियम मर गया इसी वजह से। क्या करना होता है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों आपको इसको पानी देना बिल्कुल भी बंद कर देना होता है। अगर आप इसको पानी देते रहेंगे या इस पर किसी तरीके का पानी पड़ेगा या ओस गिरेगी तो ये प्लांट इसी तरीके से मर जाता है। तो फ्रेंड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।